हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैनियल क्रेग की जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की पहली मूवी। तो इस मूवी का नाम है कैसिनो रॉयल। तो ये वाली डैनियल क्रेग वाली जो जेम्स बॉन्ड सीरीज़ है काफ़ी अमेजिंग है और जो चारों मूवी से काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, और इसकी जो अगली फिल्म है वो जल्दी वापस आने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि किस तरह जेम्स बॉन्ड को एक डबल एजेंट का टैग मिलता है और वो सातवां डबल एजेंट बनता है, यानी 007। तो MI6 ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विसेज का नाम है और उसके हेड को M कहा जाता है। तो MI6 एक प्रोग्राम चलाता है, 00 प्रोग्राम, जिसमें वो उसके सबसे बेस्ट एजेंट जो 2 कत्ल करता है उसे डबल एजेंट बनाती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें रैक शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेम्स बॉन्ड अपने एक सीनियर ऑफिसर से मिलता है और उसे और उसके एक आदमी को मार देता है, क्योंकि वो सीनियर ऑफिसर यहाँ पे MI6 से गद्दारी कर रहा था। अब बॉन्ड के 2 कत्ल हो जाते हैं और वह MI6 का सबसे बेस्ट एजेंट भी होता है। तो यहाँ पर फिर M उसे एक डबल एजेंट बना देती है। फिर सीन युगांडा के मोबाइल शहर की तरफ चले जाता है। हमें यहाँ पर एक टेररिस्ट ग्रुप के लीडर और मिस्टर वाइट नाम के आदमी को दिखाया जाता है। तो जो मिस्टर वाइट होते हैं उस टेररिस्ट ग्रुप के लीडर को ली शेफ्रे नाम के आदमी से मिलाता है। जो ली शेफ्रे होता है टेररिस्ट ग्रुप से पैसे लेता है, जो कि ब्लैक मनी होता है। उस पैसे को अपनी पहुँच की मदद से स्टॉक मार्केट में लगाता है, मुनाफा कमाता है और आतंकियों को भी मुनाफा कमा कर देता है। तो आज वह इस टेररिस्ट ग्रुप से भी पैसे मांगने के लिए आया होता है। जो टेररिस्ट ग्रुप का लीडर होता है उसे बोल देता है कि अगर गलती हुई तो हम तुम्हें मार देंगे। तो ली शेफ्रे उन्हें यहाँ पर आश्वासन देता है और पैसे ले लेता है। फिर वह अपने आदमी को स्काईफ्लीट नाम की कंपनी के शेयर्स बेचने को बोल देता है, भले ही फ़िलहाल वह मार्केट के खिलाफ जा रहा था। इसके बाद हमें मेडागास्कर का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ बॉन्ड आया हुआ होता है अपने एक साथी के साथ में एक बॉम्बर को पकड़ने के लिए, लेकिन उसके साथी की गलती की वजह से वो बॉम्बर वहाँ से भाग जाता है। तो बॉन्ड उस बॉम्बर का पीछा करता है और पीछा करते हुए वो एक एम्बेसी में पहुँच जाता है, जहाँ बॉम्बर छुपने के लिए जाता है। तो फिर बॉन्ड उसे उस एम्बेसी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में एम्बेसी की सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। तो फिर वह उस बॉम्बर को मार देता है, वहाँ पर पड़े गैस सिलेंडर से ब्लास्ट कर देता है और फिर वहाँ से भाग निकलता है उसके बैग के साथ में। तो जब बॉन्ड उस बॉम्बर का मोबाइल चेक करता है तो उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है एलिप्सिस। फिर हमें ली शेफ्रे को दिखाया जाता है। तो जो ली शेफ्रे होता है वो पोकर का शौकीन होता है और वह इसमें अच्छा भी होता है। तो बॉन्ड ने जिस बॉम्बर को मेडागास्कर में मारा था वह ली शेफ्रे का ही आदमी होता है। इधर अब पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि ब्रिटेन के एक एजेंट ने निहत्ते आदमी को मारा और एक एम्बेसी में हुड़दंग मचाया। तो यहाँ पे जो एम होती है सबके ऊपर गुस्सा करती है और बॉन्ड को वापस लाने के लिए कहती है। इधर बॉन्ड उस बॉम्बर के मोबाइल की वजह से उसे मैसेज भेजने वाले की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लेता है। अब जब एम वापस उसके घर आती है तो वहाँ पर वो बॉन्ड को पाकर चौंक जाती है, क्योंकि उसके घर के बारे में किसी को भी पता नहीं था। अब वह बॉन्ड के ऊपर मेडागास्कर के कारण की वजह से उसके ऊपर गुस्सा करती है और यहाँ तक बोल देती है कि शायद मैंने गलती कर दी तुम्हें एक डबल एजेंट बनाकर। तो बॉन्ड यहाँ पर खुद की सफाई में कुछ भी नहीं बोलता। फिर एम उसे उसके एटीट्यूड को सुधारने के लिए बोलती है और फिर वहाँ से जाने के लिए कह देती है। तो बॉन्ड भी वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाता है। इधर फिर बॉन्ड बहामास चले जाता है उस बॉम्बर को मैसेज भेजने वाले आदमी को ढूंढने के लिए। जब वहाँ पहुँचता है तो उस लोकेशन पर एक होटल निकलता है। तो बॉन्ड वहाँ जाता है और कार्स में टक्कर कर देता है पार्किंग इलाके में, जिस वजह से होटल का ज़्यादातर स्टाफ बाहर चले जाता है और इस बात का फ़ायदा उठाकर बॉन्ड सिक्योरिटी रूम में चले जाता है। वहाँ जब वह मैसेज की डेट और टाइम के हिसाब से जब सिक्योरिटीज कैमरास को चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक आदमी के ऊपर शक होता है। होटल स्टाफ से उसे पता लगता है कि वह आदमी होटल के पास ही रहता है और रोज़ पोकर खेलने के लिए होटल आता है और उसका नाम है डिमिट्रियस। अब बॉन्ड एन से चुराए हुए IDs और पासवर्ड से MI6 के पोर्टल के अंदर घुसता है और डिमिट्रियस की इन्फॉर्मेशन निकालता है। तो उसे डिमिट्रियस के एक दोस्त ली शेफ्रे के ऊपर शक होता है। इधर एम की आईडी यूज़ करने की वजह से MI6 को बॉन्ड की लोकेशन का पता लग जाता है। तो एम बॉन्ड के ऊपर चिढ़ने लगती है क्योंकि उसे छुट्टी पर भेजा था, लेकिन यहाँ बॉन्ड बहामास में मिशन कर रहा था। तो अब बॉन्ड रात को डिमिट्रियस के साथ पोकर खेलता है। तो यहाँ पर बॉन्ड नोटिस करता है कि डिमिट्रियस उसकी बीवी से बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करता। इधर पोकर में बॉन्ड डिमिट्रियस को बुरी तरीके से सजा देता है, उसकी एंटिक कार भी जीत जाता है। फिर वह डिमिट्रियस की पत्नी को पटाने की कोशिश करता है। इधर डिमिट्रियस भी ली शेरिफ से मिलने जाता है। तो ली शेरिफ उसके ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि उसके आदमियों के ऊपर सीक्रेट सर्विसेज की नज़र होती है। तो अब डिमिट्रियस उसे विश्वास दिलाता है कि मेडागास्कर जैसा सीन वापस नहीं होगा और ली शेफ्रे का काम हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ली शेफ्रे के काम के लिए एक और आदमी है। इधर बॉन्ड
डिमेट्रियस की पत्नी को पटा लेता है और बातवीं बात में उसकी पत्नी उसे बताती है कि डिमेट्रियस मायामी एयरपोर्ट गया है। तो बॉन्ड उसे फिर बीच में ही छोड़कर मायामी एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। तो बॉन्ड देखता है कि डिमेट्रियस अपने बैग को एक काउंटर पर जमा करवाता है और उसके टोकन को कहीं पर रख देता है, और जैसे ही बॉन्ड की नज़र एक पल के लिए टोकन से हटती है तो टोकन वहाँ पर गायब हो जाता है। अब डिमेट्रियस को भी पता लग जाता है कि बॉन्ड उसका पीछा कर रहा है। फिर इन दोनों में यहाँ पर छोटी सी झड़प हो जाती है जिसमें डिमेट्रियस मारा जाता है। अब बॉन्ड डिमेट्रियस के मोबाइल में भी वही क्लिप्सिस वाला मैसेज देखता है। जब वो मैसेज को भेजने वाले नंबर पर कॉल करता है तो उसे एक आदमी के ऊपर शक हो जाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड उस आदमी का पीछा करने लग जाता है। अब बॉन्ड MI6 को भी बता देता है कि मायामी एयरपोर्ट पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो MI6 उसे बताती है कि मायामी एयरपोर्ट से स्काईफ्लीट नाम की कंपनी का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ आज उड़ने वाला है। तो अब बॉन्ड समझ जाता है कि वह आतंकी ज़रूर उस प्लेन को निशाना बनाएगा। बॉन्ड फिर तेज़ी से उस आतंकी का पीछा करने लग जाता है। इधर वह बड़ा सा प्लेन भी रनवे पर आ जाता है। अब जो आतंकी होता है वो यहाँ पे एक फ्यूल से भरे ट्रक को चुरा लेता है और उस प्लेन की तरफ जाने लगता है ताकि वह उस प्लेन को उड़ा सके। अब बॉन्ड उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ उसे एक बॉम्ब दिखता है। तो उस बॉम्ब को उस आदमी के ऊपर लगा देता है, लेकिन वह आदमी इस बात से बेखबर होता है। यहाँ उन दोनों के बीच में फाइट होती है और जब ट्रक प्लेन के नज़दीक पहुँच जाती है तो वह आतंकी यहाँ पर फिर ट्रक से कूद जाता है। इधर बॉन्ड भी ट्रक को जस्ट प्लेन के पास पहुँचने पर रोक देता है। तो जैसे वो रोकता है तो पुलिस उसे यहाँ पर पकड़ लेती है। इधर वो आतंकी ट्रिगर दबाता है ताकि वे फ्यूल से भरे ट्रक को उड़ा सके ताकि प्लेन भी उसके साथ उड़ जाए, लेकिन वो यहाँ पे खुद मारा जाता है। इधर लीश अफ्रीका स्काईफ्लीट की प्लेन को उड़ाने का मिशन फ्लॉप हो जाता है। इधर बॉन्ड जब अगले दिन होटल आता है तो उसे पता लगता है कि डिमेट्रियस की पत्नी को किसी ने मार दिया है, क्योंकि वह सबूत थी डिमेट्रियस के गुनाहों की। अब MP बहामास आ जाती है और बॉन्ड को बताती है कि डिमेट्रियस ली शेफ्रे के लिए काम किया करता था। वह उसके लिए आतंकी हमले करता था ताकि ली शेफ्रे स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमा सके। इस बार भी ली शेफ्रे का यही प्लान था। उसने कुछ दिनों पहले मार्केट के खिलाफ जाकर स्काईफ्लीट की शेयर्स बेचे थे और अब उन शेयर्स की प्राइस गिराने और स्काईफ्लीट कंपनी को बर्बाद करने के लिए उसने वह आतंकी हमला करा था, लेकिन उसका यह प्लान फ्लॉप रहा। अब M बॉन्ड के हाथों में एक ट्रांसमीटर लगा देती है ताकि वह उसकी हेल्थ और लोकेशन पर नज़र रख सके। अब M उसे बताती है चूंकि ली शेफ्रे अब बर्बाद हो चुका है और लोग बाग उसे वापस पैसे मांग रहे हैं, तो लोगों का वापस पैसा देने के लिए उसने मॉन्टेनेग्रो के कैसिनो रॉयल में एक पोकर का गेम ऑर्गेनाइज करवाया है जिसमें बैठने की प्राइस ही 45 करोड़ है और खेलने की एडिशनल प्राइस 22.5 करोड़ है, और इस गेम में 10 लोग बैठने वाले हैं। तो M उसे बताती है कि MI6 ने उसके लिए भी एक सीट बुक करी है ताकि वह भी पोकर के गेम में बैठ सके और ली शेफ्रे को हरा सके, ताकि मजबूरी में ली शेफ्रे उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में MI6 को बताए उसकी लोगों से सुरक्षा के बदले। अब बॉन्ड मॉन्टेनेग्रो शहर के लिए निकल जाता है। यहाँ उसके अकाउंट्स को संभालने के लिए उसे विस्पर लैंड नाम की ऑफिसर मिलती हैं। तो बॉन्ड के एटीट्यूड की वजह से ट्रेन में उन दोनों की यहाँ पर नोकझोंक हो जाती है। अब वे दोनों यहाँ पर कैसिनो रॉयल पहुँचते हैं तो बॉन्ड रिसेप्शन में अपने असली नाम से रिजर्वेशन करा देता है। तो विस्पर उसके ऊपर चिढ़ जाती है तो उसे बोलता है कि ली शेफ्रे को उसके बारे में ज़रूरी पता होगा क्योंकि ली शेफ्रे कोई गली का गुंडा नहीं है। बॉन्ड को यहाँ सपोर्ट में एक स्पोर्ट्स कार और MI6 का एक एजेंट मैथफिस मिलता है। तो मैथफिस मॉन्टेनेग्रो शहर और ली शेफ्रे से वाकिफ होता है। अब रात को बॉन्ड तैयार होकर पोकर खेलने जाता है तो मैच से पहले वहाँ एक बैंक का आदमी आता है जो उन्हें बताता है कि उन्हें सारे पैसे गेम के स्टार्टिंग में एक थर्ड पार्टी अकाउंट में डालना होगा और साथ ही एक पासवर्ड भी सेट करना होगा, और अगर वह गेम जीत जाते हैं तो अपने पासवर्ड की मदद से वे जितने पैसे को किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो बॉन्ड भी यहाँ पर फिर अपना पासवर्ड डालता है। गेम का पहला राउंड शुरू होता है तो बॉन्ड नोटिस करता है कि जो ली शेफ्रे हैं यहाँ पर ब्लफ करने की कोशिश करता है। तो फिर वह पहले राउंड में उसके गेम को समझता है और वह पहला राउंड हार जाता है। फिर वह ली शेफ्रे के गेम खेलने के तरीके को विस्पर और मैथफिस को बताता है। इधर बॉन्ड और मैथफिस ली शेफ्रे के एक सामान में ट्रैकर लगा देते हैं ताकि वह उसकी सारी बातें सुन सकें। इधर ली शेफ्रे अपनी गर्लफ्रेंड के बुलाने पर उसके रूम में जाता है जहां उसके स्वागत के लिए मबाले वाले टेररिस्ट आए हुए होते हैं। इधर बॉन्ड भी ट्रैकर की मदद से सारी बातें सुनता है और विस्पर के साथ ली शेफ्रे के रूम के बाहर आ जाता है। तो मबाले वाले टेररिस्ट यहाँ पर ली शेफ्रे को धमकी देते हैं और उसे वापस गेम खेलने के लिए बोलते हैं ताकि वह गेम जीत सके और उनके पैसे को वापस दे सके। जब टेररिस्ट वहाँ से बाहर निकलते हैं तो बॉन्ड के कानों में ईयरबड्स देखकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन बॉन्ड विस्पर के साथ मिलकर उन्हें यहाँ पर मार देता है। तो यहाँ पर बॉन्ड भी काफ़ी घायल हो जाता है। तो बॉन्ड फिर यहाँ पर फटाफट रेडी होता है और राउंड टू खेलने के लिए जाता है। जब विस्पर को वहाँ पर नहीं देखता तो वह वापस रूम में आ जाता है। विस्पर वहाँ पर काफ़ी घबरा जाती है। तो बॉन्ड फिर जैसे जैसे उसे समझाता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी,
इधर मैथ्यूज भी उन टेररिस्ट की लाशों को ठिकाने लगा देता है। अब बॉन्ड वापस पोकर खेलने के लिए आता है, तो बॉन्ड पिछली बार समझ गया था कि ली शेफ्रे ब्लफ करने की कोशिश करता है, तो फिर वो पोकर में सारा पैसा लगा देता है। लेकिन ली शेफ्रे उसे डबल क्रॉस करता है और ब्लफ करने का नाटक करता है, और यहाँ पर फिर बॉन्ड बाजी हार जाता है और सारा पैसे भी हार जाता है। तब बॉन्ड फिर दुखी हो जाता है और फिर विस्पर से वापस पैसे मांगता है ताकि वह गेम खेल सके, लेकिन विस्पर उसे पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि बॉन्ड जितने पैसे हारेगा ली शेफ्रे को उतने पैसे मिलेंगे आतंकी हमलों के लिए। तो फिर बॉन्ड यहाँ पर गुस्से गुस्से में ली शेफ्रे को मारने जाता है, तभी वहाँ उसके साथ गेम खेलने वाला एक आदमी आ जाता है, फेलिक्स। तो फेलिक्स CIA का एक एजेंट होता है, तो वह उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि बॉन्ड ही ली शेफ्रे को हरा सकता था, लेकिन वह बदले में ली शेफ्रे को CIA को ले जाने की बात करता है, तो बॉन्ड यहाँ पर राजी हो जाता है। वापस गेम शुरू होता है, तो बॉन्ड को गेम में वापस देखकर ली शेफ्रे उसकी गर्लफ्रेंड के हाथों बॉन्ड की ड्रिंक में जहर मिलवा देता है, तो ड्रिंक पीने की वजह से बॉन्ड को यहाँ पर हार्ट अटैक आ जाता है। MI6 को भी ट्रांसमीटर की वजह से बॉन्ड की हालत के बारे में पता लग जाता है, तो फिर वे उसे उसकी कार में जाने के लिए कह देते हैं। उधर बॉन्ड एंटीडोट लगाता है और ख़ुद को इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन की पिन निकल जाती है। इससे पहले कि बॉन्ड उस मशीन की पिन को लगा सके और ख़ुद को शॉक दे, इतने में तो बॉन्ड यहाँ पर बेहोश हो जाता है। इतने में फिर विस्पर भी वहाँ आ जाती है और मशीन ठीक कर उसे शॉक देकर उसकी जान बचा लेती है। अब बॉन्ड वापस फटाफट रेडी होता है और गेम खेलने के लिए जाता है। अब गेम में कुछ ही लोग बचते हैं और यहाँ पर फेलिक्स भी हार जाता है। अब बॉन्ड अपनी स्टाइल से गेम खेलता है और धीरे धीरे टेबल पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम इकट्ठा हो जाती है, और अब टेबल पर पूरे 700 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर लास्ट में यहाँ पर बॉन्ड अपनी स्टाइल से खेलता है और उस पूरे पोकर के मैच को जीत जाता है। अब जो ली शेफ्रे होता है यहाँ पर बुरी तरीके से हार जाता है, अब वह कंगाल हो चुका होता है। इधर अब जीत की खुशी में विस्पर और बॉन्ड दोनों डिनर करने जाते हैं। यहाँ बॉन्ड विस्पर से उसके लॉकेट के बारे में पूछता है, तो विस्पर उसे कुछ भी नहीं बताती। और फिर विस्पर यहाँ जेम्स बॉन्ड को बोलती है कि वह कब तक इस तरह की ज़िंदगी जिएगा, कब तक लोगों को मारेगा, और उसे बोलती है कि उसे अपनी एक नई लाइफ शुरू कर देनी चाहिए। इतने में तो विस्पर के पास मैथ्यूज का कॉल आता है और विस्पर वहाँ से चली जाती है, तो बॉन्ड को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। तो जैसे वो विस्पर के पीछे जाता है तो उसे पता लगता है कि विस्पर को ली शेफ्रे ने किडनैप कर लिया है, तो फिर बॉन्ड अपनी स्पोर्ट्स कार में उसका पीछा करने लगता है। तो ली शेफ्रे एक जगह पर विस्पर को रोड के बीचों बीच छोड़ देता है, तो विस्पर को बचाने के चक्कर में बॉन्ड की गाड़ी यहाँ पर पलट जाती है और फिर वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो फिर ली शेफ्रे बॉन्ड के ट्रांसमीटर को निकाल देता है और उसे अपने सीक्रेट अड्डे पर ले आता है। तो यहाँ पर ली शेफ्रे बॉन्ड को नंगा करता है, उसके बॉल्स पर बुरी तरीके से मारता है और उससे पासवर्ड पूछता है। वह उसे कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर करता है, लेकिन बॉन्ड उससे पासवर्ड फिर भी नहीं बताता। तो फिर लास्ट में जब बॉन्ड पासवर्ड देने से मना कर देता है, तो जब लास्ट में ली शेफ्रे बॉन्ड को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर फिर मिस्टर वाइट आ जाता है और ली शेफ्रे को मार देता है, और अब बॉन्ड भी यहाँ पर टॉर्चर की वजह से बेहोश हो जाता है। और अब जब बॉन्ड की आँख खुलती है तो खुद को MI6 के हॉस्पिटल में पाता है। ली शेफ्रे की टॉर्चर की वजह से यहाँ पर बॉन्ड की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। इधर बॉन्ड समझ जाता है कि मैथ्यूज गद्दार है, क्योंकि उसी ने विस्पर को पकड़वाया और ली शेफ्रे की ब्लफ करने वाली बात भी ली शेफ्रे को बताए। फिर वो यहाँ पर मैथ्यूज को MI6 के हवाले कर देता है ताकि MI6 उससे पूछताछ कर सके। अब विस्पर भी बॉन्ड के साथ रहने लग जाती है उसके रिकवरी टाइम पर। अब एक दिन उसके पास वही बैंक का आदमी आता है और उससे पासवर्ड डालने के लिए कहता है ताकि वो पैसे ट्रांसफ़र कर दे। तो फिर बॉन्ड के बताने पर विस्पर अकाउंट नंबर और पासवर्ड डाल देती है और यहाँ पर वो आदमी पैसे को ट्रांसफ़र कर देता है। अब यहाँ पर विस्पर और बॉन्ड कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। अब बॉन्ड विस्पर के साथ अपनी नई ज़िंदगी जीने के लिए सब कुछ छोड़कर वेनिस चला जाता है। वह MI6 से भी रिज़ाइन कर देता है। अब बॉन्ड और विस्पर एक अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं। एक दिन विस्पर बैंक से पैसे निकालने के लिए जाती है, तभी बॉन्ड के पास M का कॉल आता है। वो उससे बोलती है कि भले ही तुमने अब MI6 को छोड़ दिया, पर पोकर में जीते हुए पैसे तो वापस कर दो। तो बॉन्ड को यहाँ पर थोड़ा अजीब लगता है, तो फिर वो यहाँ पर M से कुछ टाइम मांगता है। अब बॉन्ड बैंक के मैनेजर से बात करता है पैसों को लेकर, तो उसे यहाँ पर पता लगता है कि बैंक के मैनेजर ने तो उसे उसी दिन पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उसे पता लगता है कि वह पैसे आज वेनिस पर निकाले जा रहे हैं। तो अब बॉन्ड समझ जाता है कि जो विस्पर है वह भी गद्दार है, तो यहाँ पर फिर उसका पीछा करता है। तो उसे पता लगता है कि विस्पर सारे पैसे किसी को दे रही है, तो फिर बॉन्ड और उन लोगों के बीच में यहाँ पर गोलीबारी होती है। तो बॉन्ड जिस बिल्डिंग में होता है उस बिल्डिंग को सपोर्ट देने वाले फ्लोटिंग डिवाइस के ऊपर गोली चला देता है, इस वजह से वह बिल्डिंग यहाँ पर नीचे गिरने लग जाती है। अब बॉन्ड सारे गुंडों लोगों को मार देता है,
लेकिन यहाँ पे जो विस्पर होती हैं एक बॉक्स में बंद हो जाती हैं और इधर बिल्डिंग भी पूरी तरह पानी में गिर जाती हैं। इधर फिर बॉन्ड यहाँ पर विस्पर को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो बॉक्स खुल ही नहीं रहा होता है। तो यहाँ पर जो विस्पर होती है वह भी बॉन्ड से प्यार करने लगती है और फिर यहाँ पर बॉन्ड न मर जाए उसके चक्कर में तो यहाँ पर वो खुद को डुबा कर अपनी जान दे देती है। तो बॉन्ड लास्ट में जैसे तैसे उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है और वह मारी जाती है। तो फिर बॉन्ड उसकी याद में उसका लॉकेट ले लेता है। इधर मिस्टर वाइट भी पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब बॉन्ड ये सारी बातें एम को बताता है, तो एम उसे बताती है कि जिन लोगों ने ली शेफ्रे को मारा उन्होंने विस्पर के बॉयफ्रेंड को भी किडनैप कर लिया था और उसे मजबूर कर दिया था एक डबल एजेंट बनने के लिए, और इसी वजह से उसने यहाँ पर बॉन्ड को धोखा दिया। तो बॉन्ड बोलता है कि अच्छा वो कुतिया मर गई। तो एम उससे बोलती है कि तुम अभी भी मेरी बात नहीं समझे, और तुमसे प्यार करने लग गई थी और उसने पैसों के बदले तुम्हें ज़िंदा रखने की शर्त करी थी। अब तो मानो बॉन्ड के ऊपर यहाँ पर पहाड़ टूट पड़ता है। अब बॉन्ड यहाँ पर काफ़ी दुखी हो जाता है। अब जो बॉन्ड होता है जब विस्पर का मोबाइल चेक करता है तो उसे मिस्टर वाइट के नंबर मिलते हैं जो कि विस्पर ने उसकी हेल्प के लिए छोड़े हुए होते हैं। अब फिर बॉन्ड यहाँ पर उन नंबर की मदद से मिस्टर वाइट की लोकेशन ढूंढ लेता है और फिर वो यहाँ पर लास्ट में मिस्टर वाइट को पकड़ लेता है। और इस तरह इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी बताना, और हो सके तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू।